हेलो, सिक्स क्लास, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइबर टू यार्न बनाने की प्रोसेस को, और जिसको हमने बोला था स्पाइनिंग। सबसे पहले हमने कौन से का क्या पढ़ रहे थे, हम कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि जो कॉटन बॉल्स होती है उससे सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू, यानी कुछ गिन जो होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जिसको कॉम्बिंग करना बोलते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया था, गिनिंग किया था, फाइबर एक्सट्रैक्ट किए थे, ठीक है, फाइबर सेपरेट किए थे। उसके बाद में हमने जो फाइबर्स है उसको यार्न में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पाइनिंग। अब देखो बेटा, हमने यार्न से अब हमें कहाँ जाना है, फैब्रिक की प्रोसेस में जाना है। यार्न से हमें कहाँ जाना है, फैब्रिक की प्रोसेस में जाना है। अब देखो, फैब्रिक फॉर्म करने के लिए जो स्पाइनिंग से, जिस प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं, किसके अंदर, फैब्रिक के अंदर। देखो, फाइबर टू यार्न कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, स्पाइनिंग कहलाता है, ठीक है। कॉटन टू फाइबर यानी जो कॉटन बॉल होता है उससे फाइबर बनाने की प्रोसेस को हमने गिनिंग बोला था, ठीक है। फिर जब फाइबर एक्सट्रैक्ट हो गए, फाइबर हमें मिल गए, उसके बाद में फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस थी उसको हमने क्या बोला, स्पाइनिंग बोला। स्पाइनिंग जो टकली तकली है, ठीक है, तकली के थ्रू, और जो लार्ज मशीन्स होती है, स्पाइनिंग मशीन्स, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। उस प्रोसेस को हम दो नेम दे सकते हैं, एक तो है निटिंग और एक है वेविंग। तो किस प्रोसेस के थ्रू, के तो निटिंग के लिए हो गया और डब्ल्यू वेविंग। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि यार्न टू फैब्रिक कन्वर्ट करना है तो निटिंग और वेविंग क्या होता है, ये दो प्रोसेस ये मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो यार्न है उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो निटिंग और वेविंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि निटिंग क्या प्रोसेस है और वेविंग क्या प्रोसेस। हमें देखना है सबसे पहले वेविंग क्या होता है। देखो बेटा, जो यार्न है, यार्न के टू सेट्स होते हैं, इनको एक दूसरे के साथ इस तरीके से, एक दूसरे के इस तरीके से डायरेक्शन में अरेंज किया जाता है कि वो राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल यानी इस तरीके से क्या वो अरेंज हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यार्न को अरेंजमेंट करने की जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेविंग कहते हैं, ठीक है। यार्न को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसके भी दो प्रोसेस है, निटिंग और वेविंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, वेविंग पढ़ रहे हैं। वेविंग में क्या किया जाता है, दो यार्न के सेट लिए जाते हैं और उनको राइट एंगल पर अरेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे ही राइट एंगल पर अरेंज हो गए, ठीक है, अब देखो जो वेविंग की जो प्रोसेस है वो एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं लूम, ठीक है। तो लूम के द्वारा की जाती है। अब ये लूम भी दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अगर जो वेविंग की प्रोसेस है की जा रही है, ठीक है, लूम के ऊपर की जाती है, अगर लूम हैंड ऑपरेटेड है, हैंड ऑपरेटेड का मतलब होता है कि हाथों से किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे हैंड लूम। यानी वेविंग की प्रोसेस, अगर जो लूम डिवाइस है उसको हैंड से ऑपरेट किया गया है, देन वी कॉल इट हैंडलूम। इफ इट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मशीन्स, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं जो लूम के फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो, देन वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिकल लूम। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसे इलेक्ट्रिकल लूम कहेंगे, ओके। तो ये फर्स्ट हमारा क्या हुआ, वेविंग का प्रोसेस हुआ। अब जो नेक्स्ट है वो है निटिंग। कि निटिंग क्या होता है, देखो बेटा, निटिंग भी क्या है, यार्न टू फैब्रिक करने की का जो मेथड है उसी को हम क्या बोलते हैं, निटिंग, निटिंग बोलते हैं, ठीक है। निटिंग में क्या किया जाता है कि जो यार्न है उसका एक सेट लिया जाता है और एक स्पेशल नीडल आती है, एक स्पेशल सुई आती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निटिंग
नीडल कहते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, निटिंग नीडल कह दिया। अब इस निटिंग नीडल के थ्रू क्या किया जाता है, ठीक कह दिया, अब इस निटिंग नीडल के थ्रू क्या किया जाता है, जो यार्न है का सेट है उसको इंटरलॉक किया जाता है, ठीक है। इंटरलॉकिंग की प्रोसेस के थ्रू जब यार्न को अरेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, निटिंग नीडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो निटिंग नीडल के द्वारा अब हमारा जो यार्न है, ठीक है, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, फैब्रिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट बनाकर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ओके। तो फ्लो चार्ट में देखो सबसे पहले क्या आएगा कि जो कॉटन बोल है, हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि जो कॉटन बोल है, ठीक है, उस जब जैसे ही कॉटन बोल मैच्योर हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, कॉटन बोल को जो एक गिन जो डिवाइस है उसके थ्रू उसके अंदर से जो सीड होते हैं उसको अलग करते हैं, और कॉटन जो प्योर कॉटन होता है, ठीक है, जिसको लिंट बोलते हैं, ठीक है, उसको अलग करते हैं। तो लिंट को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यार्न में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी सबसे पहले हम फाइबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉटन एक्चुअल में पहले कॉटन बोल के अंदर क्या होते हैं, सीड भी होते हैं और कॉटन भी होते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सीड को अलग करना है, ठीक है। तो कॉटन बोल से फाइबर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हमने क्या बोला, गिनिंग बोला, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि फाइबर टू यार्न कन्वर्ट करना, ठीक है, फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करना, जो किसके थ्रू किया जाता है, तकली के और जो लार्ज मशीन होती है उसके द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइनिंग, क्या कहते हैं, स्पाइनिंग कहते हैं। अब हमें यार्न को किस में कन्वर्ट करना है, फैब्रिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फैब्रिक जो हम यूज कर सकते हैं, फाइबर्स का हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, फैब्रिक का यूज करते हैं। अब यार्न टू फैब्रिक कन्वर्ट करना है, इसकी भी दो प्रोसेस है, ठीक है, इस दो प्रोसेस हो सकती है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज वेविंग, पहली जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे हम, वेविंग बोलेंगे, और जो सेकंड मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, निटिंग बोलेंगे, ओके। तो इस तरीके से जो हमारा कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, वो आ जाता है किस किस प्रोसेस के थ्रू, फर्स्ट प्रोसेस इज गिनिंग, सेकेंड इज स्पाइनिंग, एंड द थर्ड वन इज नीविंग, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड का सेकेंड पॉइंट, यानी कि हम यार्न वेविंग के थ्रू भी फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और निटिंग के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ कॉटन बोल टू फैब्रिक बनाने का। अब जो नेक्स्ट आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉटन क्लोथ्स, यानी कि जो कॉटन क्लोथ्स हम जो वेयर करते हैं, पहनते हैं, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से हम उसको यूज में लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसे क्या गुण है जिसकी वजह से वो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल दिया। एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉटन, ठीक है, कॉटन फाइबर जो है, कॉटन फैब्रिक जो है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, डेली की लाइफ में यूज करते हैं। तो देखो बेटा, जो कॉटन फाइबर है, ठीक है, वो क्या होता है, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, ट्रीज से, ठीक है, और वो ट्रीज कौन सा हो गया, कॉटन प्लांट हो गया, उससे हम नेचुरली उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अब नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज हेल्दी फॉर नेचर, अगर वो डिग्रेड भी होगा, खराब भी होगा, तो वो नेचर को कोई हार्म इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से हम उसे बोल सकते हैं कि इट इज इको फ्रेंडली, एंड आल्सो वी कॉल्ड इट बायोडिग्रेडेबल,
बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो नेचर के अंदर प्रेजेंट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरली प्रोड्यूस हुए हैं उसको क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस। तो कॉटन फैब्रिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, फर्स्ट वन इज हमारा क्या है, कॉटन फैब्रिक सा इको फ्रेंडली का मतलब कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। हार्म क्यों नहीं पहुंचाते, बिकॉज दे आर बायो डिग्रेडेबल। ओके, क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको डाइजेस्ट कर जाएंगे। ओके, तो उसको जो कॉटन फाइबर है उसको कोई हार्म नहीं होगा, और कॉटन फाइबर की वजह से भी जो अर्थ सॉइल है उसको भी कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, जो फाइबर्स है, नेक्स्ट देखो कि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो काफी लंबे समय तक यूज किए जा सकते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं। तो जिसकी वजह से हम उसे क्या बोल सकते हैं कि कॉटन फाइबर जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं। क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, कॉटन फाइबर्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि वो लंबे समय तक चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है कि जो कॉटन फाइबर होते हैं, जो कॉटन फाइबर से बने फैब्रिक होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, और जो हमारी स्किन है उसके लिए भी हार्मफुल नहीं होते। और हमें जो समर सीजन में जो स्वेटिंग होती है, ठीक है, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उससे हमको हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को डिक्रीज करते हैं, और जो मॉइस्चर है उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं कॉटन फाइबर। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस क्या, थर्ड इसका फीचर क्या हो जाएगा, कॉटन फाइबर्स आर वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट होते हैं एंड अब्सॉर्ब क्या कर सकते हैं, जो मॉइस्चर है उसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं, मॉइस्चर। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है कि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पेस काफी ज्यादा होता है, यानी जो फाइबर के बीच के अंदर स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है। इट मींस वी कैन से, देखो इसके अंदर क्या है, ये स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस काफी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कॉटन फाइबर को पोरस बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोरस कह सकते हैं। और जो सर्कुलेशन है, किसका, एयर का सर्कुलेशन, जो एनवायरमेंटल एयर है उसको हमारी बॉडी की थ्रू बॉडी बॉडी तक क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी को ठंडा रखने में, कूल रखने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इज कॉटन फाइबर्स आर पोरस इन नेचर, पोरस इन नेचर। ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे ट्रांसफर एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंट की हवा है उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं, एयर टू अवर बॉडी टू मेक बॉडी कूल। क्या रखती है, जो बॉडी है उसको ठंडा बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। ओके, अब जो इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ग्रेट इंसुलेटर होते हैं, किसके, हीट के।
हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का मतलब होता है कि वो हीट का ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है बॉडी का, ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स बैलेंस्ड, क्या रहता है, बैलेंस रहता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। और इसी के साथ जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा कॉटन का जो प्रोसेस था, कॉटन की जो फीचर्स थे, वो आज इस क्लास में तो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूट फाइबर, ठीक है, जूट फाइबर की, जूट फाइबर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी क्या पूरी टोटलिंग जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना, जूट फैब्रिक किस तरीके से बनते हैं और जूट के मोस्टली जो फीचर्स है वो क्या क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको कॉटन फाइबर काफी अच्छे से समझ आया होगा। ओके।